मैं राजपूत का बेटा हूं गहलोत साहब, आपसे वादा करता हूं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा आपकी आंख शर्म से झुके। आपका ये बेटा बेबो की तरह दूसरा बेटा है, ऐसा काम करूंगा हर दिन आप मेरे को याद करोगे कि बेबो का जैसा मेरा बेटा करण सिंह है। मैं लारला 20 सालों हाव तपस्या तपरी हूं और हम क्या, मैंने पार नहीं पड़े तो अशोक जी टिकट दे दियो, आगे कटे करण सिंह ने टिकट नहीं मिलने वालों है और टिकट नहीं मिलियो तो मैं राजनीतिक रूप कंवरों मरूलान कंवरों मरियो तो थोड़े पाप लगे पाप कह दिया। तो मैं इस मंच के माध्यम से गहलोत साहब स्वयं के सामने वादा करता हूं कि गहलोत साहब ने जहां पर जोधपुर को छोड़ा है, चाहे लोकसभा हो चाहे पूरे हिंदुस्तान में, मैं वादा करता हूं कि उस पूरी झंडी को जो जोधपुर का नाम अमर कर रखा है, कहीं ना कहीं मैं उस झंडी को और ऊंची करने की कोशिश करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि जोधपुर लज्जित हो और स्पेशल अशोक गहलोत साहब और मेरे आपके कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को नीचा देखना पड़े, ऐसा कतई नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिस तरीके से आज, चूंकि ये तो एक पारिवारिक प्रोग्राम है पर मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, वर्तमान में जो सांसद महोदय है वो इतने बड़े नहीं है, अभी उनको हो सकता है पद उनको बड़ा मिल गया हो। गहलोत साहब कहते हैं कि रगड़े के बिना जो पद मिलता है ना तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, उनकी रगड़ाई हुई नहीं थी और 2014 में सीधा टिकट लाए और कैबिनेट मंत्री बन गए और वापस बन गए। तो आज हमारे मारवाड़ में तो कायदा होता है कि अपने से बड़े का सम्मान किया जाता है। भाई हम तो कांग्रेस में हैं, आपने गहलोत साहब के बारे में 50 बात बोली होगी, कोई बात नहीं, आप विपक्ष के नेता के रूप में बोली होगी, पर आपने तो जीजी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी कह दिया कि तो बुजुर्ग हो गई है इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया। इस तरीके का सोच हमारे मारवाड़ में नहीं होता है, इसका एकमात्र कारण है चूंकि वो उधर सीकर से आए हैं और सीकर के रहने वाले हैं, तो सीकर के रहने वाला आदमी ऐसी बात बोल सकता है, मारवाड़ का बेटा इस तरह की बातें अपने लोगों के लिए कभी नहीं बोल सकता, ये मेरा वादा है। साथियों मैंने जैसा कहा है कि जिस तरीके से आदमी की सोच होती है कि आदमी की खुद की सोच क्या है, ये भूंगरा कांड यह हुआ था जिसमें करीब 49 लोग एक ही परिवार के शेरगढ़ में डेथ हो गई थी, 3 दिन उसको डेथ हो गए। जब वहां पर काफी लोगों ने बात करी भाई कुछ इन लोगों को होने वाली होनी तो हो गई अनहोनी, पर कुछ लोगों का सहायता की जाए, तो मैंने भी 3 दिन बाद में यहाँ वहां गया भूंगरा, तो मैंने जाके सबसे पहले अपनी तरफ से, मैं ज्यादा बड़ा आदमी नहीं हूं पर जितना मेरे को लगा कुछ करना चाहिए तो मैंने काम करनी शुरुआत करी। तो मैंने 50,000 प्रत्येक मृतक परिवार की सहायता करी, तो करीब 24.5 लाख रुपए की घोषणा मैंने करी। उसके बाद सब में उसकी ललक लगी और सबने पैसे दिए। जब सोशल मीडिया चला तो हमारे एमपी साहब को भी उसको फॉलो करना पड़ा और 7 दिन बाद में उन्होंने 51 लाख की घोषणा करी। मेरे द्वारा दिया गया 24.5 लाख तो मैंने उसी 5-7 दिन में जमा करा दिया और आपको जान के हैरानी होगी कि एमपी साहब के 51 लाख रुपया जब अभी वो देवराज जयंती पे बाबू सिंह जी ने उनको टाइट किया, उनके लकड़ किया, तब जाकर के 51 लाख रुपए उन्होंने दिए। ये नीयत बताती आदमी, बात ये नहीं है, ऐसा नहीं है कल आप गहलोत साहब का आशीर्वाद मिल गया ना आपका मिल जाएगा ना मैं एमपी में चला जाऊंगा तो सब काम करा दूंगा, सब काम मेरे हाथ में नहीं होते हैं पर मेरी नीयत क्या है, ये आदमी की बड़ी पहचान होती है। या आपको पता है ये अपना कोरोना कितना बुरा काल आया, कोरोना काल में जब मेरे को जितना काम करने का मौका मिला, मैं कोई एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख नहीं था पर मुझे लगा कि मैं जोधपुर का बेटा हूं और मेरे भगवान ने मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है और वो एक्स्ट्रा पैसा मैं अगर किसी जरूरतमंद आदमी के काम नहीं लाऊं तो फिर मेरे पैसे में कोई मतलब नहीं है। पहले कोरोना काल में भी मैं कलेक्टर के पास चला के गया और मुख्यमंत्री कोष में 11,00,000 दिए, मैं घर आया पीछे पीछे एडीएम साहब का फोन आया कि करण सिंह जी आपने पैसा तो दिया अच्छी बात है पर ये कुड़ी में और ये नांदली साइड में अभी जबरदस्त कुक मिल नहीं रहे हैं, उस समय जबरदस्त लोगों में दहशत थी और ये खाना नहीं बन रहा है, लोग भूखे सो रहे हैं, मैं मेरे गांव जैसा गांव के मिल नहीं सकता। मैं मेरे गांव में गया, गांव वालों से मैंने कहा तो गांव वालों ने कहा हम तैयार हैं साहब, मरेंगे तो मरेंगे पर खाना बनाएंगे। तो रोजाना के 25,000 पैकेट करीब 1.5 महीने तक उचाड़ा गांव से रेजिडेंसी होटल से कलेक्टर साहब भेजते थे तहसीलदारों को और वहां से बांटते थे। सेकंड कोरोना काल आया, कोरोना काल में मैं कलेक्टर के पास गया तो कलेक्टर बोला टाइम खराब मत करो, अगर यहाँ हमको जरूरत है तो सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट की है। मैं मेरे ऑफिस गया, मेरे खुद के सोर्सेस से पता किया कि क्या हो सकता है कैसे हो सकता है,
उन सोर्सर से पता करके 60 लाख का एक ऑक्सीजन प्लांट जिसमें कि 90 सिलेंडर पर डे पैदा होते थे, वो मैंने 30 लाख एडवांस भेज के कलेक्टर साहब को ले जाकर कागज पकड़ाया। कलेक्टर साहब ने कागज देखा कि ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया। एडीएम साहब को बुलाया कि करण सिंह जी को बैठाओ और क्या कर सकते हैं। फिर मेरी बात माननीय उस समय सीएम साहब से भी, गहलोत साहब से भी, उस समय कुछ अड़चने आई। उन अड़चनों के लिए मैंने वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बात करी, पर हमें ज्यादा कोई उसमें सहायता नहीं मिली। पर हमने हमारे हिसाब से वो 60 लाख का प्लांट लाए और उसके बाद वो 60 लाख का प्लांट आज के दिन टीबी हॉस्पिटल में लगा हुआ है। मेरा मकसद यह है कि आदमी की नियत क्या है। आपको मेरे को टिकट तो पहली बार मिला है और जनता की सेवा करने का मौका आप जिताओगे तो मुझे पहली बार मिलेगा। मैं जीतूं या हारूं, मैं ये वादा करता हूं कि मेरे लिए कांग्रेस का टिकट भी 100 बार जीतने के लायक है। 100 बार गहलोत साहब, आपने मेरे को जो टिकट दिया है उससे पहले का मामला और उसके आगे का मामला चेंज ही हो गया है। मेरी तो रेपुटेशन ही चेंज हो गई। गहलोत साहब, आज फट से आपने मेरे को गाड़ी में बैठा दिया, अब मैं भी देखूंगा आपने मेरे को पास में बैठा दिया। इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए। भगवान ने मेरे को सब दे दिया गहलोत साहब, सिर्फ टिकट बाकी था वो भी आपने दे दिया है। मैं राजपूत का बेटा हूं गहलोत साहब, आपसे वादा करता हूं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा आपकी आंख शर्म से झुके। आपका ये बेटा बेबो की तरह दूसरा बेटा है, ऐसा काम करूंगा हर दिन आप मेरे को याद करोगे कि वैभव का जैसा मेरा बेटा करण सिंह है। मेरा निवेदन है कि मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी, मेरे को पत्रकार पूछते हैं कि आप क्या करोगे, ये तो भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं ये तो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके तो मोदी जी आपके कौन है। मैंने कहा उनके मोदी जी है, मेरे भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम मेरे को जिता देंगे। वो बोले कि आपके कौन है ये तो। मैंने कहा भाई हमारा कांग्रेस पार्टी का हमेशा विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ते आए हैं, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हम सबसे पहले तो पूरा प्रयास करेंगे कि जो जोधपुर में भी प्रॉब्लम है और बाहरी क्षेत्र में भी प्रॉब्लम है पानी की, पूरा प्रयास करेंगे कि हम पानी लाएं। आपको पता है कि अभी ये जल मंत्री होते हुए ये तीसरी इंदिरा कैनाल की तीसरी लाइन आ रही है, वो भी माननीय गहलोत साहब के द्वारा 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। अगर वो एमपी साहब और मंत्री जी चाहते तो 1400 करोड़ रुपया सेंटर से देते, 1400 करोड़ रुपया दूसरी जगह काम आते, हम और काम कर लेते। अगर आपने जनता जनार्दन ने उनको मंत्री बना दिया, एमपी पहले बना दिया, मंत्री बना दिया, मंत्री एमएलए बनने के बाद में अगर 10 साल में उन्होंने एक ईंट जोधपुर में लगाई हो तो मेरे को बता दो, नहीं तो मेरे को तो पता है। आप एमडीएम हॉस्पिटल जाके देख लो कि 10 साल में उसकी 15 साल में क्या फिजा चेंज हुई है। एक ईंट भी अशोक गहलोत साहब के अलावा कोई बीजेपी के आदमी ने लगाई हो तो मेरे को आके बता दे। और यहां से रवाना हो एम से रवाना होके और आप बावड़ी तक जाओ, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन। साथियों, मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं, एक शहर में इतने इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकते। आप एम्स ले लो, आप लॉ कॉलेज ले लो, आप निफ्ट ले लो, आप पुलिस यूनिवर्सिटी ले लो, आप आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ले लो, आप आईआईटी ले लो, और कई काम ऐसे हैं। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इतना बड़ा हॉल बनाया है, आपको कल्पना ही नहीं, उस पैसे कहां दिए हैं आप गिना ही नहीं सकते। और इसके तुलना में आप एयरपोर्ट को 10 साल हो गए, अब वो थोड़े थोड़े डंडे बाहर निकलने लगे, एक रेल का टाइम ये चेंज नहीं करा सके। एम्स में पूरी मारवाड़ की मांग है कि एम्स का नाम मीराबाई के नाम करा दिया जाए, और ये तो नाम को चेंज करने के मास्टर है भारतीय जनता पार्टी वाले, तो हमारे एम्स का नाम ये मीराबाई का नहीं करा सके। हॉस्पिटल कोई नया ला नहीं सके, रेल ये ला नहीं सके। ये जो अपनी क्या कहते हैं एलिवेटेड रोड, इन्होंने 2.5 साल पहले एक एलिवेटेड रोड के लिए मैंने देखा एक दिन तो पूरा एयरपोर्ट जाम था। मैं भी कहीं से आया, 1 घंटा बाहर निकलने में लगा, ढोल थाली गुलाल फुलाल बोर्डिंग सब चल रहे हैं। अरे मैंने कहा क्या हुआ कि एलिवेटेड रोड जो बना सैंक्शन करा के ले आए। सर्किट हाउस गया तो वहां भी भीड़। मैंने वापस देखा अभी 15 दिन पहले, महीने डेढ़ महीने पहले, कि गडकरी जी हाथ हिला रहे थे। अरे मैंने कहा क्या हुआ कि साहब गडकरी जी कह रहे हैं कि हम वो एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। तो मुझे बताओ 2 बार एलिवेटेड रोड कैसे बनेगी गजुबना, आ तो बता दो 2 बार कितने बने। पहला था बना गया और हम भी बना दियो। आप अभी अभी इन्होंने यहाँ पे आपका ये हमारे जोजरी रिवर फ्रंट में कह रहे हैं, यहाँ तो अंग्रेज आ लेला, चारों करोला काम अंग्रेज आ लेला। रिवर फ्रंट पिछले 10 साल से कहते आ रहे हैं,
तो रिवर फ्रंट रो पता नहीं एक भी काम विकास रो करायो नहीं है। मैं तो आपको वही निवेदन करूं हूं कि मने जोधपुर रा लाडला और हिंदुस्तान रा सब बड़ा नेता अशोक गहलोत साहब टिकट दियो है। आप मने मैं तो थोड़ा बेटो हूं मारो गांव जटे बैठा हो ना उठो 8 किलोमीटर माते ऊंचाड़ो गांव है और ऐ शिकरा रहू नाला है 10 साल में टक्कर काम करियो नहीं। खुद ने 50 करोड़ मिलिया उम्मीद 40% लैप्स होगा है विकास रो काम है करे नहीं और खुदरा रुपया भी दे नहीं सके। तो आप वही निवेदन करूं कि शिकर वाला ने 10 साल 2 बार आप अगर आशीर्वाद दे दियो तो जोधपुर रे बेटा ने भी आप 2 बार आशीर्वाद दे दीजिए। अगर आप आशीर्वाद दोला तो मैं आपने वादो नहीं थी होते थोड़ा ना पाप लागे ला बता दूं मैं लारला 20 सालों हाव तपस्या तपरी हूं और हम क्या मैं पार नहीं पड़े तो अशोक जी टिकट दे दियो आगे कटे करण सिंह ने टिकट नहीं मिलने वालों है और टिकट नहीं मिलियो तो मैं राजनीतिक रूप कंवरों मरूलान कंवरों मरियो तो थोड़ा पाप लागे ला फिर आप कह आप हमारा निवेदन है गजू बना कहे है कि भाई आ तो जो मुकाबलो है और बीजेपी कांग्रेस के बीच रोनी है और करण सिंह गजेंद्र के बीच रोनी है और तो उन विचार थानों के बीच रो है। मैं भी कह रहे गजू बना ऐसी बात क्यों करो अब तो बार बार रहू ना लो जो बेटी रो संबंध करना चाहो हाँ खानदान देखो भाई ने जात कहीं पात कहीं रुपया कड़ा घर कड़ो तो देखो पर अल्टीमेटली तो यार अपन जमाई ने देख ने बेटी देवा हाँ तो भाई बीजेपी रो तू जवाई है कांग्रेस रो मैं जवाई हूँ लोग तो वोट जमाई ने देख दे यू मत करो और थे विकास करा नहीं सकिया थे विकास नहीं करा सकिया थे वोट मांगना अधिकार नहीं हो। मैं कांग्रेस रा मेरा जो साथी आयोड आई हूँ वादो करूं अगर मने थे मौको दियो मैं थाने वादो करूं मन चू और अशोक गहलोत साहब रे शामिल करूं मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गो तो एक एक बूथ रे कार्यकर्ता ने 5 साल तक एहसास कराऊंगा कि मैं भी एमपी हूं मैं भी एमपी हूं मैं भी एमपी आप रे बिना इन्वॉल्वमेंट रे बूथ रे कार्यकर्ता रे बिना इन्वॉल्वमेंट रे कांग्रेस पार्टी जिंदा नहीं रह सके। एक बार पुनः मारो निवेदन है मैं आप रो बेटो हूं 25-20 सालों में सामाजिक जीवन में हूं मारो मकसद सामाजिक कार्य और ज्यादा करना है वो मैं व्यक्तिगत रूप नहीं कर पा रही हूं। अगर मैं मने राजनीतिक रूप से सफलता मिली तो जो काम मैं करिया है वो काम ने और ज्यादा अच्छी तरह कर सकूंगा। इन वास्ते आप वादो करूं कि मने आप मुख दौला तो मैं आप रो नाम ऊंचो करूंगा और लोकसभा में आपकी आवाज बुलंद करूंगा। मैं साथ साथ इन बात एक बात और कहना चाहूंगा एक संजीवनी बड़ो कांड भी हुआ है करीब 1,40,000 लोगों नु प्रभावित है और उन 1,40,000 मायनू जगह जगह पेपर में आया है करोड़ों करोड़ों रुपया खुद एमपी साहब रे और एमपी साहब रे फैमिली रे खुद रे खाता रमा ने किया है और कई बार बोल गया है अपना मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी कि भाई ना आप जवाब दो पर भी टसरा मस नहीं हो रहा है और टस मस नहीं वे और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो आ कहे एक मैं ईमानदार हूं और इतना बड़ा गरीबारा रुपया खाएड़ा भी 5 टिकट लेने आएगा है निर्णय थोने करना है कि गरीब की सेवा करने वाला ने वोट देना है या संजीवनी में पैसा खाने वाला ने वोट देना है निर्णय आप रो है। मने तो आप अगर वोट दोला तो मैं आप रो मान सम्मान में कमी नहीं रखूंगा। एक बार पुनः अशोक गहलोत साहब रो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद और होली सलाह मिलन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद।